प्राणायाम प्राणायाम इज ओनली फॉर डायबिटीज। डायबिटीज किसको नहीं है आज के डेट में? अगर डायबिटीज जिसको नहीं है, दुनिया का सबसे सुखी आदमी वो है। क्योंकि जब मतलब इतना स्ट्रेस जो होता है अगर तनाव में, तो कहता है कि कितना भी वो वर्कआउट करता है तो उसको डायबिटीज हो जाती है। तो ये एकदम मैं सच बोल रही, कहीं यूट्यूब पर भी आप सर्च कीजिएगा। और ये प्राणायाम 2005 में जब बाबा रामदेव आए थे ना, तो उनका मैं मतलब मैं ऐसे भी प्राणायाम के मामले में मैं उनका फैन फॉलोअर्स हूँ। क्योंकि कुछ नहीं, वो पैसा नहीं लेते हैं। अगर आप टीवी पे भी देख करके चीज़ का नहीं खाती हूँ तो ये बहुत बड़ा है। तो मैं मंडूकासन को मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग टाइम देते हैं तो बता देते हैं तो ठीक है। आप अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पोर्शन को चेंज करते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन में बैठने को हम वज्रासन कहते हैं। इसका हाँ, ये पोर्शन में बैठने को, इस पोर्शन को कहते हैं वज्रासन। मैं सही हूँ? इस पोर्शन को वज्रासन कहते हैं, है ना। इस पोर्शन को जब आपको जांघों में, पैर में काम करने के बाद बहुत तनाव फील हो, लगे कि हमारे जांघों पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत मतलब दर्द कर रहा है और कोई नहीं है मालिश करने वाला, तो करने वाली, तो क्या कीजिए कि आप कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए। सर, हमारी बॉडी है, हमारा शरीर, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पूरे दुनिया को देखेंगे और दुनिया के लिए जिएंगे और काम करेंगे। वज्रासन की मुद्रा में आ जाएंगे। और करना क्या है, देख लीजिए मेरी आवाज़ आएगी। और देखिए, अपने हाथों को, ये अंगूठे को एकदम ऐसे कर लेना है, अपने हाथ बंद करना है, हाथ को यानी मुट्ठी बंद करना है, ये अंगूठा को एकदम ऐसे करना है, अंदर की ओर करना। अब करना क्या है कि अपने सांसों को जो है कि एकदम ले लीजिए, यानी कि भर लीजिए, अपने सांसों को लेके भर लीजिए। और ये क्या करना है, अपने जब सांसों को धीरे धीरे लेके भर लीजिएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, भर लीजिएगा। और ये यहाँ पर जस्ट एकदम लीवर के नीचे पैनक्रियाज जो यहाँ पे है, पैनक्रियाज अग्नाश है जहाँ पे है, उसको क्या कीजिएगा, इसको इस अंगूठा ये मुट्ठी से आप इसको, सांस भरे हुए हैं, धीरे धीरे ऐसे हम करेंगे तो मैं सांस को भरूंगी, छोड़ूंगी नहीं वहाँ पर। आप जितना क्षमता हो आप यहाँ पर रोके रहिएगा, और उसके बाद जब हम बोलेंगे कि उठिए, तब धीरे 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 अपने सांसों को छोड़िएगा। आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब ऐसे अपने अंगूठे को करते हैं और यहाँ पे सटाते हैं और धीरे धीरे जाएंगे तो अपने सांसों को भरेंगे और रोकेंगे। तो सांसों को भरिए धीरे धीरे, अब एकदम झुकिए, लीजिए सांसों को और अपना जो सर है उसको कोशिश कीजिए कि हम एकदम नीचे की ओर ले जाएं, है ना। अब सांसों को भरे रहिए और सांस छोड़ना नहीं है, रुकिए जितना आपकी क्षमता हो। देखिए रोके रहिए, सांसों को रोके रहिए और अपने, हाँ नहीं हो रहा है जरूरी नहीं, हाँ अपने पेट पे हाथ रहेगा मुट्ठी और सांसों को रोके रहिए जितनी क्षमता हो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। चलिए अब हम धीरे धीरे सांसों को क्या करेंगे, उठेंगे और सांसों को धीरे धीरे अपने इस मुद्रा में आएंगे और छोड़ेंगे कम से कम इसको। वज्रासन में नहीं बैठ पाई मैम, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और इतना हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बाद इसको 5 टाइम जरूर करेंगे, तब बेनिफिट है कोई भी आप, लेकिन शुरुआत आप 2-3 बार से कर सकते हैं और फिर उसी तरह का हम करेंगे। चलिए सांसों को अपना भरिए, चलिए धीरे धीरे सांसों को ऊपर आएंगे, सांसों को छोड़ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना।
और ये सांसों को धीरे धीरे क्या करेंगे कि छोड़ेंगे, और फिर कम से कम एक दो बार कर ही लेते हैं, एक बार और करते हैं ना, मुरारी नाम है ना आपका, हाँ तो एक दो बार और करते हैं, बहुत यहाँ पे धीरे धीरे हम उठेंगे। मैं एक मिनट तक झुके रह सकती हूँ, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, है ना। जिनको वज्रासन में नहीं बैठे होंगे